अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिर्ज़ा सादबेग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, इसका प्राइमरीली मकसद ये है कि आज मेरा IBCC बेसिकली जाना हुआ था, तो सोचा मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, उसको मैं डॉक्यूमेंट कर दूँ और उससे ताकि जितने भी देखने वाले नए लोग हैं वो उससे बेनिफिट ले सकें। तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को ये सारा प्रोसेस समझना है तो वीडियो को पूरी देखें। सबसे पहले तो मैं आपको अपने डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ जो मैंने वो करवाएं। एक ये है, एक मेरी मार्कशीट है, ये है, बाकी ये दो डॉक्यूमेंट और हैं। अच्छा, ये मेरे दो मार्कशीट और दो सर्टिफिकेट, विच मीन्स के मैट्रिक और इंटर के डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये पर डॉक्यूमेंट मेरे 1200 का हुआ है, विच मीन्स के 12 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये पूरा 4800 रुपीज़ हो जाएंगे। और आपको जो है ये एक दिन के गैप से आपको ये अटेस्ट होकर मिल भी जाएगा। अच्छा, प्रोसेस बहुत ज़्यादा ईजी गोइंग है। आप सबको एडवाइस मेरी यही रहेगी कि अगर तो आप जो है ऑनलाइन सबमिट कर दें इनका फॉर्म, तो उससे बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपका टाइम जो है वो बच जाएगा। आप जो है ऑनलाइन सब चीज़ें डॉक्यूमेंट को सबमिट करें और देन उसके बाद उसका प्रिंट ले लें। उससे होगा ये कि आपको अपॉइंटमेंट नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट आप अपॉइंटमेंट लेकर काउंटर नंबर 3 पे जाएं। काउंटर नंबर 3 पे जाएंगे, वो आपके डॉक्यूमेंट देख के इसको सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने के बाद आपको वो रेफर कर दें, फी लिखने के बाद डॉक्यूमेंट के ऊपर सॉर्टमेंट और फी लिखने के बाद वो आपको रेफर करेंगे काउंटर नंबर 1 पे। काउंटर नंबर 1 पे बेसिकली TCS वाले बैठे हुए होंगे, वो आपकी फी को प्रोसेस करेंगे अलॉन्ग विद 50 रुपीज़ देयर चार्जेस। तो वो आपकी सबमिट कर लेंगे फी, देन फिर उसके बाद वो आपको दोबारा रेफर करेंगे काउंटर नंबर 3 पे। तो काउंटर नंबर 3 पे देने पर आपको वेट करना पड़ेगा, लाइन लगानी पड़ेगी। क्यू लगाने के बाद आपका जब नंबर आएगा तो आप उनको डॉक्यूमेंट रखवा देंगे। जब डॉक्यूमेंट आप उनको देंगे तो वो आपको एक स्लिप देंगे, TCS की स्लिप देंगे, उसके ऊपर आपको जो है रेफर कर देंगे कि नेक्स्ट डे आके आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेगा। अच्छा, कुछ केसेस में ऐसा भी होता है, अब जैसे प्रीवियसली मेरा दोस्त प्रीवियस मंथ गया था और उसने अपने सारे डॉक्यूमेंट को प्रोसेस किया, तो वो सुबह 8 बजे जल्दी आ गया था और वो मुझे बता रहा था कि साथ मैंने ऑलमोस्ट 3 या 4 बजे तक मैंने सेम डे के अंदर पिक कर लिए थे। तो ये भी होता है, लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जब उनके पास डिमांड एंड सप्लाई उनकी थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है और डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई, क्योंकि सप्लाई साइड जो है वो अंदर के जो ऑफिस के स्टाफ वो कम होता है, तो डेफिनेटली थोड़ी सी प्रॉब्लम उनको होती है और वो फिर एक दिन का टाइम लेते हैं उसको प्रोसेस करने में। तो सेम गोज़ विद दैट, अब होगा यही कि अगर आप लोग भी जाएंगे सबमिट करवाने तो सारा प्रोसेस सिंपल यही है और देन फिर उसके बाद आपको एक दिन की जो है गैप से वो आपको दे देंगे। सिमिलरली वहाँ पे काउंटर नंबर 2 भी है, वो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट के लिए, जो हमारे OA लेवल्स वाले बच्चे होते हैं और ये सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे आएंगे काउंटर नंबर 2 से अपने जो है पहले सर्टिफिकेट को इक्विवेलेंट करवाएंगे देन फिर उसके बाद इनका भी सेम वही अटेस्टेशन होगी। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस था, एक गाइड थी, सोचा आप लोग के साथ शेयर की जाए। आई होप कि ये आप लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा और जो भी है इंशाल्लाह ताला ये एक यूज़फुल आपके लिए टिप रहेगी। थैंक यू।